तो स्वागत है एक और नए वीडियो में। और अभी मैं हूँ गंगा भवन के सामने, जो कि IIT रुड़की के कैंपस में है। और ये हॉस्टल वाला एरिया है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है। और ये देखिए नीचे पानी भर चुका है और पीछे भी पानी काफ़ी है। तो ये है RKB हॉस्टल और ये राजेंद्र भवन इधर राइट साइड पे। तो अभी मैं एक राउंड टूर देने वाला हूँ आपको बारिश में, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। तो साथ में मैं कैंपस का जो मेन एरिया है उसको भी बताता चलाऊँगा, ठीक है। तो देख सकते हो ऊपर बारिश तो हो रही है बहुत ज़ोरों से, थोड़ा मोबाइल को बचा के रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी तो कोई नहीं दिख रहा है। यहाँ पर कुछ देर पहले कुछ बच्चे बारिश में भीग रहे थे, मज़े ले रहे थे। और ये देखिए पूरा सन्नाटा है इधर की ओर। अभी तो थोड़ा कम हुई है बारिश, इससे पहले बहुत तेज, तभी तो ये पूरा पानी भर गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो चलते हैं आगे। ये आप देख सकते हैं इधर RKB की कैंटीन है। वैसे अभी यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, लेकिन बच्चे थोड़े घर गए हुए हैं तो इस माने बंद है। और यहाँ पे ये कोटले भवन देख सकते हैं, लोग बैठे हैं अंदर कैंटीन में। और ये देखिए, तो आगे चलते हैं, थोड़ा आगे एक राउंड मार के आते हैं और साथ में इंजॉय करते हैं। तो ये सामने आपको राजीव भवन दिख रहा होगा। तो ये देखिए पानी का फ्लो ओवरफ्लो हो गया। एक मैं अभी कैंपस का जो है वो टाइम लैप्स के फॉर्म में भी दिखा दूंगा आपको, वो ज़्यादा सही लगेगा आपको। और ये मैक बिल्डिंग है इधर सामने, मल्टी एक्टिविटी सेंटर जिसे बोलते हैं। वो देखिए कुछ बच्चे जाते हुए, ये अभी नई यहाँ पर एक स्क्रीन लगाई गई है, जो भी एक्टिविटीज़ हैं या फिर अपकमिंग इवेंट्स हैं उसको यहाँ पर बताया जाता है। ये देखिए, और इधर मल्टी एक्टिविटी सेंटर है इधर, और उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं। ये देखिए ये है राजीव भवन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे भीगते हुए आ रहे हैं और बहुत भीड़ है आगे। ये कैंटीन है, नाइट कैंटीन। उधर भी लोग देखिए आ रहे हैं, अलग ही माहौल है आज का, तो क्योंकि बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी यहाँ पर। तो अभी मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और आगे चलता हूँ। तो ये मैं आगे आ गया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा पानी भरा हुआ लग रहा है। अब मेरे को भी इसको निकालना मुश्किल होगा। ये देखिए ई रिक्शा आ रहा है और बच्चे यहाँ जाते हुए, पूरा गंदगी जो है वो पानी में मिल गई है।